हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर आर्म को। तो इसमें एक्चुअली हमें पढ़ना है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मसल्स बताना है फ्रंट ऑफ आर्म एंड देयर नर्व सप्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले आर्म समझो होता क्या है। तो हमारा इस पोर्शन को, सॉरी, इस पोर्शन को आर्म बोलते हैं, इसको फोर आर्म और इसको हैंड, जो हम लोग अलग 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 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग आर्म की बात करें तो इसमें कौन कौन से मसल्स आती हैं, ये सबसे पहले देखो। ये डेल्टॉइड है, ये डेल्टॉइड अपने इसको कवर कर रही है, आर्म में अभी कंसीडर यहाँ पे नहीं किया है इसको, इस डेल्टॉइड को भी हटा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये मसल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट मसल है वो अपनी है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में बाइसेप्स बोलते हैं ना, बाइसेप्स मसल। तो बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है, चलो इसको भी अगर हटा दें तो आपको इसके अंदर दो मसल्स दिखेगी, पहला ब्रेकियलिस, ठीक है, ब्रेकियलिस, दूसरा ऊपर में कोरेको ब्रेकियलिस। ठीक है, देखो ये पेक्टोरिस मेजर को हटाते हैं, तो अभी तुमको यहाँ से दिखेगा ये तो ब्रेकियलिस है अपना, और ऊपर वाला अपना है कोरेको ब्रेकियलिस। कोरेको का मतलब क्या है, कोराकोइड प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, जो स्कैपुला में होती है। तो ये तुम देख रहे हो कि जो कोरेको ब्रेकियलिस है यहीं से ओरिजिनेट कर रही है, और ये पॉइंट कौन सा है अगर ध्यान से देखो तो ये स्कैपुला का कोरेकोइड प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए इसको कोरेको ब्रेकियलिस बोले, और नीचे वाले को क्या बोले, ब्रेकियलिस बोले। ये तीनों मसल्स हैं। अब इसको सप्लाई कौन करता है नर्व सप्लाई, इसको सप्लाई करता है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। अब इसका नाम आपने कहाँ सुना था, तो इसका नाम हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस में सुना था। तो मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व के बारे में हमें तो डिटेल में पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। अब अभी हम लोग सबसे पहले जानते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के बारे में, बहुत ही फेमस मसल है, राइट। तो चलो बाइसेप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आर्म मसल्स एंड यहाँ से आ जाओ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। ठीक है, तो ये मसल आपको कुछ ऐसी दिखेगी, गुड। इसका एक चीज़ आप देख रहे हो कि ये मसल दो हिस्सों में बटी हुई है, तो इसका एक को लॉन्ग हेड बोलते हैं और एक को बोलते हैं शॉर्ट हेड। ठीक है, तो अब कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है, तो ये वाला अपना लॉन्ग है और ये वाला अपना शॉर्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जो लॉन्ग हेड है वो कहाँ से निकल रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रही है उसकी, सुपरा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला से। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ देखो ये तो अपनी स्कैपुला है, ये अपनी स्कैपुला बोन है, राइट। स्कैपुला का ये वाला प्रोसेस हमें पता है कि कोरेकोइड प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, कोरेकोइड प्रोसेस से नहीं निकल रहा है, अब ध्यान से देखो तो ये कहीं इधर से निकल रहा है। तो अब इसको अच्छे से पता करने के लिए सबसे पहले हम इस बोन को ही हटा देते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो कैविटी है ना, इसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, जहाँ से ह्यूमरस अटैच होकर शोल्डर जॉइंट बनाती है। तो उस ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को सुपरा ग्लिनोइड बोलेंगे और नीचे वाले को इंफ्रा ग्लिनोइड बोलेंगे। यहीं पे लिखा है ना, सुपरा ग्लिनोइड ट्यूबरकल में जाके इसका ओरिजिन हो रहा है, दिख लिया। साथ में शॉर्ट हेड कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ये तो अपनी कौन सी प्रोसेस है, कोरेकोइड प्रोसेस है। तो कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के साथ ओरिजिनेट कर रहा है। अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था कोरेको ब्रेकियलिस भी कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में ओरिजिनेट करता है, तो यहाँ से कोरेको ब्रेकियलिस मसल भी निकलेगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसके अलावा ये इंसर्ट कहाँ कर रही है, तो इंसर्ट के लिए इसको मुझे वापस से लाना पड़ेगा। हाँ, इंसर्ट देखो कि इंसर्ट कहाँ कर रही है, ये नीचे कहीं पे, ये कौन से बोन है अपनी, ये अपनी रेडियस बोन है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि कौन कौन से बोन्स होती है। तो सबसे पहले ये हमारा जो आर्म में बोन हो रहा है वो है ह्यूमरस, उसके बाद अपना फोर आर्म में दो बोन्स आती हैं, रेडियस और अल्ना। जो अपना थंब के साइड है वो हमारा रेडियस होता है, और जो दूसरी साइड है वो हमारा अल्ना होता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी बोन है रेडियस बोन, इस रेडियस बोन के कहीं यहाँ पे जा करके ये इंसर्ट कर रहा है, तो इस हल्का से ये उठा हुआ स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्यूबरोसिटी। और किसकी ट्यूबरोसिटी, रेडियस की ट्यूबरोसिटी। तो ये टेंडन बना के रेडियस ऑफ ट्यूबरोसिटी, रेडियस की ट्यूबरोसिटी में जाके इंसर्ट करता है, समझ में आ गया। इसके अलावा इसका नर्व सप्लाई तो मैंने बताया कि आर्म की जितनी मसल्स है, तीन मसल्स है, तीनों को नर्व सप्लाई अपना कौन करेगा, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, अब इसके एक्शंस देख लो। तो एक्शंस क्या है, पहली बात तो ये फ्लेक्शन का काम करेगा। अब किसी को अगर फ्लेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो फ्लेक्शन मतलब हमारा ऐसे कर मोड़ना, और अगर वो ऐसे करे तो ये अपना एक्सटेंशन कहलाता है। अगर इसको तुम एनिमेशन में देखो तो देखो कि ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना हाथ, तो ये हमारा फ्लेक्शन हुआ। अब ये नीचे वापस से रिवर्स में दिखा रहा है वो नहीं देखना आपको, ये वाला एक मिनट, ऐसे जो जा रहा है ना इस डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है वो देखना है। ठीक है, इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बता दिया। तो ये फ्लेक्शन का काम करवाता है, और इसके अलावा कौन सा काम कराता है, ये तो सुपाइनेशन का भी काम कराता है। अब सुपाइनेशन का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड देखो, सुपाइनेशन का मतलब समझो कि सबसे पहले तो ये हमारा सुपाइनेशन पोजीशन है और ये हमारा प्रोनेशन पोजीशन है। तो अगर हम हाथ को ऐसे कर रहे हैं, सुपाइनेशन है, ये हमारा प्रोनेशन है। इसको हम हमारे जो सिम्बायसिस कर रहे हैं उन्होंने सिखाया था किंग्स प्रोनेट
ठीक है, किंग्स हमेशा प्रोनेट करते हैं और बैगर्स सुपाइनेट, ठीक है, और बैगर्स हमेशा सुपाइनेशन करवाते हैं, मतलब कि किंग्स हमेशा दान देते हैं प्रोनेशन और बैगर्स लेते हैं सुपाइनेशन, तो ऐसे मुझे याद रहता है, तो किंग्स प्रोनेट बैगर्स सुपाइनेट, तो ये सुपाइनेशन में मदद करता है, देख लो कैसे मदद करता है, देख रहे हो, ऊपर करने में उसको मदद कर रहा है, हाथ को ऊपर करवा रहा है, ठीक है, ये सुपाइनेशन और फोरआर्म में मदद कर रहा है। इसके अलावा लॉन्ग हेड, जब हम अबडक्शन करते हैं, अबडक्शन बोलना डू ले जाना हाथ को, राइट, तो अगर जब अबडक्शन करते हैं तो ये जो ह्यूमरस को अपने पोजिशन में रखने का काम कौन कर रहा है, इसका लॉन्ग हेड कर रहा है। आई होप कि बाइसेप्स के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके, अच्छा एक और चीज़ बचता है, इसको भी कंप्लीट करा देती हूँ। नेम द जॉइंट्स एट विच बाइसेप्स ब्रेकाई एक्ट्स एंड टेल द मूवमेंट्स इट प्रोड्यूसेस। तो तीन जॉइंट पे ये काम करता है, सबसे पहले शोल्डर जॉइंट, ये ऊपर वाला शोल्डर जॉइंट, एक मिनट इसको वापस से दिखाओ, ये शोल्डर जॉइंट, दूसरा एल्बो जॉइंट यहाँ जो बन रहा है, और तीसरा है रेडियो अल्नर जॉइंट। अब रेडियो अल्नर का मतलब क्या, जो रेडियस और अल्ना के बीच में बने। अब ये सुपीरियर क्यों कहा कि रेडियस और अल्ना के बीच में जो जॉइंट बनती है दो तरह की बनती है ना, दो जगह पे बनती है। तो अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊँ रेडियस और अल्ना को, तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसका हल्का सा कॉन्टैक्ट है और नीचे में इसका हल्का सा कॉन्टैक्ट है, तो जो ऊपर में कॉन्टैक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, नीचे वाले को इन्फीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। तो ये तीन जगह पे एक्ट करेगा, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में ये फ्लेक्शन कराएगा, अभी जस्ट दिखाया था, एल्बो जॉइंट में भी सेम फ्लेक्शन ही कराएगा और सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट में सुपाइनेशन कराएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। उसके अलावा अब ये टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व के बारे में।